मेरा ऐसा सौभाग्य है कि जब यहां मंच पर आ रहा था तो मुझे वाल्मीकि समाज के सभी प्रमुख लोगों ने पवित्र माला पहना करके मुझे आशीर्वाद दिए। मैं वाल्मीकि समाज के भी सभी संतों का हृदय से प्रणाम करता हूं। आज मेरा यह भी सौभाग्य रहा कि कबीर परंपरा के अनुयायी भी आज यहां आकर के मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, ये भी मेरा बड़ा सौभाग्य है। और मंच पर आते ही संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी के चरणों में यहां भी मुझे माथा टेकने का मौका मिल गया। साथियों, संत रविदास जी का एक दोहा है और ध्यान से सुनिए, और जब ध्यान से सुनोगे तो आपका भी पक्का विश्वास हो जाएगा कि मोदी की सरकार वही कर रही है जो संत रविदास जी कह के गए हैं। संत रविदास जी ने अपने दोहे में क्या कहा है, और उन्होंने ऐसा चाहूं, संत रविदास जी ने कहा है, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था मैं एक ऐसा राजा चाहता हूं। देखिए रविदास जी ने कहा है, मैं एक ऐसा राजा चाहता हूं जिससे राज्य में सभी को अन्न मिले, हर कोई एक समान समरस होकर रहे, और जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक रूप से रविदास जी प्रसन्न होंगे ही। ये संत रविदास जी ने कहा है। साथियों, सबका साथ सबका विकास के मंत्र, उस मंत्र को लेकर के चल रही भाजपा का आदर्श भी संत रविदास जी के शब्दों से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और इसलिए हमारी सरकार के लिए गरीब का कल्याण सर्वोपरि है। आप देखिए, पूरी दुनिया में एक ऐसी महामारी आई है, ऐसी महामारी आई है, 100 साल में कभी ऐसी महामारी नहीं आई और पूरी दुनिया में फैली है। लेकिन भाजपा सरकार ने संत रविदास जी की इस भावना को प्राथमिकता दी, मिले सबको अन्न। दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज कोरोना की वजह से गरीब को हर तरह की दिक्कत आ रही है, खाने पीने की समस्या हो रही है, लेकिन इतने बड़े संकट में, 100 साल की सबसे बड़ी महामारी में, इस काल में भारत करोड़ों देशवासियों को मुफ्त में राशन उपलब्ध करा रहा है। कोई भी ऐसा गरीब ना हो जिसके घर में चूल्हा न जलता हो। भाई, ये काम करना मेरे लिए एक पवित्र सेवा का काम था। पंजाब के भी लाखों गरीबों को 2 साल से
मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। हमने प्रयास किया है कि महामारी के इस समय में कोई भूखा गरीब हमारे यहां गरीब भूखा न सो जाए। कोरोना की वैक्सीन भी हमारी सरकार ने मुफ्त मुहैया कराई, गांव गांव जाकर के मेरे देशवासियों का जीवन बचाने के लिए रात दिन काम किया, और दुनिया में जो नहीं कर पाए वो काम हिंदुस्तान ने करके दिखाया। करीब करीब 95% से ज्यादा लोगों को पहला डोज तो लग ही चुका है और दूसरा डोज भी करीब करीब सबको लगने की दिशा में तेज गति से काम हो रहा है, और वैक्सीन की वजह से लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच मिला है।